हो रहा है, हो रहा है। ओके ओके, माय नेम इज अमरजोत और मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक से। हार्दिक, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, सुनाई दे रही है सर। थैंक यू वेरी मच। और आपके माध्यम से मैं सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उनको मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम मैं कहता हूँ। और बाकी लोगों को पता है कि मैं इस वक्त इंडिया आया हुआ हूँ और इंडिया में अपने घर पे हूँ। स्पेशली वो लोग जो कनाडा में देख रहे हैं मेरे को, उन्हें पता है कि बाहर कनाडा में कितनी ठंड है और यहाँ पर कितनी मस्तियाँ हैं। तो आई एम एंजॉइंग माई टाइम हियर इन इंडिया। बाकी जो इमिग्रेशन की समस्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे भी, जो आपके सवाल हैं उसका मैं जवाब दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको जवाब मैं तसल्ली बख्श दे सकूं, और यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस मिले, जिसको लेके वो गलती ना करें और उनका काम अपना सिद्ध हो। और आज हम बात करेंगे आपके जो वाइफ है मेरे ख्याल कनाडा में, उनके थ्रू आप कोई वीजा अप्लाई करना चाहते थे और उसके बारे में आप पूछें। ओके, सवाल पूछ सकते हैं आपने हार्दिक। एक्चुअली सर, मेरा जो एसआईएनपी में मैंने अप्लाई किया था अभी, उसके ऊपर मेरा मिस रिप्रेजेंटेशन का चार्ज लगा हुआ है। ओके, दो साल के लिए मैं दो एसआईएनपी में अप्लाई नहीं कर सकता। Okay. लेकिन अभी मुझे मेरी वाइफ को स्टूडेंट वीजा मिला है, तो उसके डिपेंडेंट के ऊपर ओपन वर्क परमिट के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो उसकी इफेक्ट आएगी या नहीं आएगी, वो सबसे मेरा पहला सवाल सर, सबसे बड़ी समस्या वही है। उसके बारे में हम पहले बात कर लें कि आपने जो पीएनपी एप्लीकेशन करी है सैस्केचवान में, उन्होंने आपको इनएलिजिबल कह दिया है, क्योंकि ये काफी होता है इंडिया में कि लोग किसी कंसल्टेंट को यूज करते हैं लेकिन एप्लीकेशन पे लिखते नहीं है कि कंसल्टेंट लाइसेंस्ड है, ऑथराइज्ड है, या कंसल्टेंट को ले भी रहे हैं कि नहीं ले रखे। Exactly. तो पीएनपी वाले या आईआरसीसी वाले इतने बेवकूफ नहीं है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से मालूम पड़ जाता है 90% केसेस में, ऑफकोर्स सारे तो नहीं, बहुत केसेस में उनको मालूम पड़ जाता है कि कोई कंसल्टेंट इसमें कुछ काम कर रहा है। और लेकिन अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो वो आपको एक चांस देते हैं कि भाई आप समझाओ क्या करके रहे हो, आपने फुल इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने झूठ बोला, आपने बताया नहीं, तो आपको वो इनएलिजिबल कर देते हैं। उस जमाने में ये मेरे ख्याल आपको कितने साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए? 1.5 years पहले, 1.5 साल पहले मैंने डाला था। मजे की बात यह है कि उन्होंने आपको सिर्फ 2 साल के लिए बैन किया है, 2 साल के लिए आपको बोल दिया कि 2 साल आप अप्लाई नहीं कर सकते और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल के लिए जो उन्होंने मिसरेप के लिए आपको आउट ऑफ सर्किल कर दिया है, ये शुक्र मनाए कि उन्होंने इमिग्रेशन जो आईआरसीसी को फॉरवर्ड नहीं करी फाइल, और वहां से आपको 5 साल के लिए बैन भी लग सकता था। बाय चांस अगर यहां से नहीं पकड़ते और आपकी एप्लीकेशन वीजा ऑफिस में चली जाती तो आपके लिए 5 साल का ही बैन खिलाता। तो आप शुक्र मनाए और बोले जय श्री कृष्णा मेरे साथ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच कि आप उस चीज से बच गए और अभी आप क्लियर हैं। तो आपकी वाइफ अभी कनाडा में है, पढ़ाई कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और आपकी शादी को भी काफी टाइम हो गया है और शादी के फोटोग्राफ्स वगैरह आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, उसके बेसिस पे आपका ओपन वर्क परमिट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पीएनपी के लिए एक इनएलिजिबिलिटी का अलग चीज है। वो कहते हैं कि पीएनपी ना करो, लेकिन हम वर्क परमिट कर सकते हैं और वर्क परमिट का लग जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि आपको कुछ कंसल्टेंट ने जो आपको कुछ बोला था उसके बारे में आप बताएं, क्या बोल रहे थे आपके लिए और उसका हम देखते हैं क्या क्या सलूशन है। एक्चुअली मैं एडवाइस लेने के लिए मैं नजदीक के कंसल्टेंट के पास गया था, तो सभी कंसल्टेंट ऐसा बोल रहे हैं कि आपको 2 साल के लिए बैन किया हुआ है, तो आपको ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। बोला कि उसमें 100% आपका रिजेक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी वाइफ की जो स्टडी परमिट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगी और वो रिजेक्ट हो सकती है। अभी इसको इसको हम इसको एक्सरे करते हैं इसको, है ठीक है, ये इसी स्टेटमेंट को पहले आगे देखते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है और कितना वो। मैं एक्चुअली कई बार यहाँ पर वो रात को न्यूज देखता हूँ तो उसमें एक प्रोग्राम आता है आधा सच आधा फसाना, एक पता नहीं कौन सा
कौन से उसमें आता है, कौन से आज तक पता नहीं किसमें है, तो मैं कभी देखता हूँ, तो वही चीज यहाँ पर है। ये जो कंसल्टेंट ने कहा है आपको कि वाइफ पे असर आएगा और आपको नहीं हो पाएगा, ये सरासर गलत है। इसमें कानून की जानकारी उनको नहीं है। अगर कोई फैमिली मेंबर अगर इनएडमिसिबल होता है, तो जैसे कि आप इमेजिन करें कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हैं कनाडा में, हस्बैंड वाइफ के पास दोनों स्टेटस है, चाहे तो स्टडी स्टेटस है चाहे वर्क स्टेटस है, और उनमें से एक को इनएडमिसिबिलिटी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इनएडमिसिबिलिटी, किस बेस पे मिलती है। अगर वो सेक्शन A44 की रिपोर्ट जारी हो गई और ये क्राइम कोई ऐसा क्राइम है कि जिससे कि आप जैसे कोई सीरियस क्राइम है या कोई इवन नॉन सीरियस क्राइम है जिसमें 6 महीने की सजा होती है या DUI ऐसा कुछ है, उसमें जो दूसरा मेंबर है वो PR के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा उस टाइम तक, वो एक अलग अलग लॉ है। लेकिन आपके सिचुएशन में आप एक टेम्पररी रेजिडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो जो नॉन इमिग्रेंट वीजा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है उस लॉ से, और आपको आप अगर इनएडमिसिबल हो गए तो आपकी वाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है, दावा है कि वो गलत कह रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि उन्हें शायद इस चीज की उन्होंने वो परवाह नहीं करी। ये जो इनएडमिसिबिलिटी होती है वो फेडरल एक इनएडमिसिबिलिटी होती है, डेट मीन्स के मिनिस्टर ने या मिनिस्टर डेलीगेट ने सेक्शन A44 की एक रिपोर्ट एक जारी करी है, तो आप इनएडमिसिबल होते हो। अगर PNP ने करी है, PNP के पास ऐसी रिपोर्ट जारी करने का कोई ना अथॉरिटी है ना उनके पास कोई डिस्क्रिशन है, तो वो तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप 2 साल तक PNP ना अप्लाई करें, बस ये कह रहे हैं। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ और ना अप्लाई करें कनाडा में, ये तो नहीं कह रहे हैं, ना उनके पास कहने का एक सामर्थ्य है, तो ये बात ये झूठ होगी। तो उस कंसल्टेंट को आप बता दें ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल सर यही कि समझ लो कि मैं ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर भी देता हूँ, तो सेम स्टेट में रहना पड़ेगा, वो कुछ ऐसा है कि आपकी वाइफ जहाँ पे है वहीं पे ही आप जा सकते हो, उसके अलावा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मेरे को सवाल बहुत पसंद आया, और मैं इसको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा कि सुनिएगा ध्यान से कि स्पाउस, अगर आपकी स्पाउस कनाडा में है, अगर वो स्टडी वीजा पे है, जो इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हस्बैंड को साथ रहना पड़ेगा। मेरे पास कई एग्जांपल हैं जहां हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं और वाइफ कहीं और रह रही है, जहां उनको नौकरी मिली चले गए तो कुछ दूर चले गए, तो ऐसे कोई नहीं है। लेकिन जब वाइफ को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद अगर हस्बैंड जाता है, तब ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों को साथ रहना है, और ये अगर आपको किसी को भी शक है तो वो उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकता है। तो ये शर्त है, अगर तो इमिग्रेशन को एक एहसास हो गया कि ये लोग साथ रहने वाले नहीं है, बाकी तो एक्चुअली चेक करना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहीं से अगर शक हो गया कि ये लोग साथ नहीं रहने वाले हैं तो आपको वो वर्क परमिट नहीं देंगे। लेकिन स्पाउस वीजा जहां पर स्टूडेंट और जो वाइफ है आपकी, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि फिजिकली साथ रहना। डैट मीन्स कि अगर आप जाते हैं यहां से और दूसरे शहर में कहीं आपको नौकरी मिलती है तो आपको वो रोक नहीं सकते, कोई पाबंदी नहीं है। आई होप दैट क्लियर्स इट आउट। सही है सर। कोई और सवाल पूछें? और सवाल पूछें सर, सपोज कि मेरा जो वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट, मेरा वाइफ का जब भी उसकी स्टडी के बाद में एक 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा एक्सटेंड होता है या मुझे सेपरेटली एक्सटेंड करना पड़ता है? सवाल आपके बहुत बेहतरीन है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको आपको भी आप ऑलरेडी कनाडा में हो गए उस वक्त, तो ऑलरेडी आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है, एक्सटेंशन एज अ वर्कर, और उसमें आपको दोबारा फीस लगेगी, $255 फिर लगेंगे, और उसको लेकर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो दोनों करेंगे, विद इन 90 डेज करते हैं और दोनों साथ साथ कर सकते हैं। ओके, और बताएं सर, और एक क्वेश्चन था मुझे फाइनेंस साइड, जब भी मैं फाइल पुट अप करूंगा
तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग तो दिखाना ही पड़ेगा कि भाई मेरे पास इतना फंड है, तो उसमें प्रॉपर्टी भी दिखानी पड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मेरा खुद का चलता है, मेरे पेरेंट्स का भी दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरे फादर छोटा बिजनेस है, इतना बड़ा भी नहीं, छोटा बिजनेस है, तो उनका भी कुछ दिखाना पड़ेगा या सिर्फ अकेला मेरा का ही? ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, आजकल बाहर है स्टडी वीजा ओपन वर्क परमिट की, इंडिया में कई कंसल्टेंट दिल्ली पंजाब गुजरात हर जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन लेकिन उनको शायद लॉ के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है या लॉ के बारे में वो देखते नहीं है। अगर आप इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट देखें और रेगुलेशन है, एक्ट नहीं है, रेगुलेशन में देखो 205 है उसका नाम, 205 नंबर है उसका सेक्शन का, हर हर चीज का एक सेक्शन होता है, 205 सेक्शन में सी पे जाएं और नंबर 2 पे जाएं और उसमें वो पढ़ सकते हैं कि इसका इसका रेगुलेशन क्या है, कैसे हस्बैंड को वीजा मिलता है। इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, आपके पास कितनी इनकम है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। मैंने आज तक, और मैंने कितने ही सैकड़ों ऐसे वीजे करे हैं, अप्लाई करे हैं लोगों को, जो देख रहे हैं उन जो देख रहे हैं जो ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं उनको पता है, किसी का रिफ्यूजल नहीं आया कि आपके पास पैसे नहीं है या आपकी जमीन नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, इस रीजन से कभी भी रिफ्यूजल नहीं आया। क्योंकि क्योंकि जो अप्रूवल का जो जो बेसिस है, अप्रूवल का बेसिस है शादी की जेन्युइननेस होना, ना कि इनकम हाई है, ना कि जमीन है, ना कि कोई बैंक बैलेंस है, उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसको कहते हैं रेगुलेशन 4, इमिग्रेशन रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, IRPR नंबर 4 आप टाइप कर लें गूगल पे आ जाएगा। सिर्फ ये, सिर्फ अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी शादी जेन्युइन है और वो कनाडा जाने के लिए नहीं हुई है, शादी बसाने के लिए हुई है, मतलब गृहस्थी बसाने के लिए शादी हुई है, तो आपको वीजा देंगे, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हैं। मेरे पास एक एग्जांपल अभी है, एक एग्जांपल उसका मैं केस करूंगा अभी कुछ ही दिनों में, जो जो हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट है, वाइफ स्टूडेंट है कनाडा में और हस्बैंड भी यहाँ पर कुछ पढ़ रहा है, तो उसके पास तो इनकम का कोई सवाल ही नहीं है, ना उसके पास इनकम है, ना उसके पास जमीन जायदाद है, ना उसके पास ऐसा कोई लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस है, तो वो एक रेगुलर स्टूडेंट है और उसका भी आप देखिएगा ऐसे ही होगा क्योंकि उसकी शादी हुई है जेन्युइन पर्पस से, कोई उसमें कोई और कुछ लेना देना नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि जी अपना बैंक बैलेंस लगा दो जी, इतनी इनकम इतनी होनी चाहिए जी, इतनी जमीन होना चाहिए, आई थिंक दे आर कंफ्यूजिंग देमसेल्फ विद टूरिस्ट वीजा। हाँ, वो सब बातें टूरिस्ट वीजा में हो सकती हैं जरूरी, लेकिन लेकिन इसमें जो ओपन वर्क परमिट जरूरी नहीं है। सर और एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरी वाइफ अगर यहाँ पे वहाँ पे कनाडा में स्टडी कर रही है, तो अभी उसके पास कोई पार्ट टाइम जॉब है नहीं, बराबर। तो मुझे कंसलर ने ऐसा भी बोला कि जब तक जॉब नहीं मिलता उसका, तब तक आप अप्लाई मत जय करो। जय श्री कृष्णा। समान आपका आपका जो 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 क्वेश्चंस हैं बड़े ही उमदा क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए ऐसा है कि स्टूडेंट स्टूडेंट को 20 घंटे काम करने की एक सुविधा है, वो अब काम कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए तो वो नहीं कर रहे हैं। कानून, मैं जो जो बात मैं करूंगा वो कानून के तौर पे करूंगा, कानून के अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगा। कानून में, इमिग्रेशन रेफ्यूजी और प्रोटेक्शन एक्ट में कोई भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि जिसमें स्टूडेंट के पास इतना पैसा होना चाहिए तभी वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट बुलाएगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर 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 वो बुला रही है और अगर वो आपके पास वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, जेन्युइन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है, तो उनकी हेडेक कैसे रखेगी, कितना खर्चा होगा, कैसे करोगे। और आप भूले ना, क्योंकि आपको वर्क परमिट मिला है फुल टाइम, तो आप भी तो काम करोगे। हाँ, तो पैसे का और इनकम का लेना देना कुछ नहीं है। वो बातें होती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में, आपको शायद कंसल्टेंट ने जिन्होंने कहा था उनको वो भी इससे कंफ्यूज कर गए। जो 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 स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेगा उसको एक नॉक OA&B की नौकरी चाहिए और उसको 3 महीने के पे स्टब चाहिए होते हैं प्रूव करने के लिए वो हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है नहीं कर सकती, तो वो रिक्वायरमेंट बदल जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, जब भी वो पढ़ाई करेगी तब बदल जाएगी। लेकिन अभी अभी आपकी आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए उनको कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई इतना पैसा हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके
और सर ऐसा भी नहीं है ना, और ऐसा भी नहीं है ना कि उसका एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ही रख सकते हैं या राइट नाउ रख सकते हैं ऐसा। वाह, ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। काफी काफी कंसल्टेंट यहाँ बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, लड़की को पहले जाने दो, उसको एक आध सेमेस्टर पढ़ने दो, वो सेट हो जाएगी, फिर करेंगे, ऐसा काफी लोग बोलते हैं। यस यस, मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि वो किस बेस पे बोलते हैं, क्योंकि इस बोलने का, इस दावे का कोई लेना देना, कोई इसका कोई लीगल ग्राउंड वर्क नहीं है। अगर आप कोई सोचे कि भाई लड़की जब जाएगी वहां पर एक आध सेमेस्टर सेट हो जाएगी फिर करेंगे, मैं उनसे पूछूं कि जब वो लड़की यहाँ से स्टूडेंट वीजा अप्लाई करती है, अगर उसी वक्त हस्बैंड का साथ में उसी पैकेज में अगर वर्क परमिट का कर दे, तो उसमें क्या बुराई है, क्या क्या खामी है उसमें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लॉ वो क्या अलाउड नहीं है? वो भी अलाउड है। चक्कर ये है कि कंसल्टेंट डरते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि दोनों को करेंगे, उसका भी दोनों का रिफ्यूज हो जाए कट्टे। सही, वो ये हमारी तो वो है कि भाई पैसा बन जाए, पहले उसका आ जाए, फिर इसके इसको देखिएगा कि दो दो एप्लीकेशन हो जाएंगी, ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन मेरे पास कई एग्जाम्पल भी हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ के इकट्ठे लगे हुए हैं, और जो लोग ये देख रहे हैं वो पता है उन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और इकट्ठे लग के यहाँ से गए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, सवाल बोले बस सर अभी मतलब मेरा ओपन वर्क पर भी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो चलो एक होप दिखाई दे रही है कि नहीं आप करें और ओपन वर्क परमिट करें, आपका लगेगा। उसकी वजह मैं आपको दो वजह बता देता हूँ, मेरे को पता है आपका पहले झटके में ही लगेगा, क्योंकि नॉर्मली जब मैं कोई केस लेता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई कोई जादू नहीं है, वीजा ऑफिसर ने डिसाइड करना है। कभी कभी वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और ऊपर नीचे से सब चेक करेंगे, भाई जेन्युइन है नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे, तो उसमें कई बार पहले झटके में नहीं होता, तो दूसरे झटके में हो जाएगा, क्योंकि एक आप कैप्स नोट्स निकाल के पता कर सकते हैं कि उनको ऑब्जेक्शन क्या था, वो ऑब्जेक्शन को आप सुधारें तो आपका दूसरे में हो जाना चाहिए, ऐसी बड़ी बात। लेकिन आपके केस में मेरे को पता है आपको पहले बार में होगा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों होगा, क्योंकि आपकी शादी 5 साल पुरानी हो गई है। नंबर वन, यस सर, आपकी शादी 5 साल पुरानी हो गई है, और आपके पास 5 साल में यहाँ पर 4.5 साल आप पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हैं, आपके पास सारे प्रूफ है, जिसको हम कहते हैं कोहैबिटेशन, तो आपका अपने घर में रह रहे हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट जॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी वगैरह वो सब आपके पास है, तो आपके आपके जो जेन्युइननेस है, जेन्युइननेस ऑफ मैरिज है, वो ऑलरेडी 4.5 साल पहले प्रूव हो चुकी है। तो जब आपकी शादी हुई थी तब तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था कि भाई शादी करके कनाडा जाएंगे, ऐसा तो कोई प्लानिंग शायद थी या नहीं थी? नहीं, उसके बाद शादी के बाद ही उसका पासपोर्ट भी शादी के बाद ही निकला। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हां, बहुत अच्छा। सो इस करके मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आपका वीजा मिलेगा। हाँ, आपके जो एक बार आपका जो स्टडी वीजा आपका जो रिफ्यूज हो चुका है उसका, और जो पीएनपी में आपको 2 साल के लिए बार लगी हुई है उसका हवाला आपको जरूर देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा फॉर्म में कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसको जरूर वो देखेंगे वीजा ऑफिसर, हो सकता है कि आपको थोड़ा इंटरव्यू के लिए परेशान करें। तो अगर मैं तो एक्चुअली उल्टा कहता हूँ, अगर इंटरव्यू आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में आमने सामने एक इमोशन से बताना चाहिए, कि बताने का अवसर मिलता है कि हमारी शादी कितनी पक्की है, कितनी जेन्युइन है। यस यस, और सर जो डिटर्मिनेशन जो लेटर है एसआईएनपी में, उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 2 साल के लिए बैन किया गया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मे बी शेयर्ड विद IRCC। वो मान के चले, आप ये मान के चले कि IRCC को पता है, आप ये मत सोचे कि मे बी, और चाहे उन्हें पता है नहीं पता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, जब फॉर्म नंबर 1295 भरेंगे, तो उसमें तीसरे पेज पे लिखा होगा कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, तो उसमें आप बकायदा लिखेंगे SINP का फाइल नंबर देंगे, पुराने जो स्टडी वीजा आपका रिफ्यूज हुआ उसका भी फाइल नंबर देंगे, उनको बकायदा बताएंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप मान के चलें कि उन्हें उन्हें मालूम पड़ ही जाएगा, चाहे आप बताएंगे तब मालूम पड़ेगा, चाहे वैसे पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो और पंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 साल के लिए वो कर देंगे तो और चक्कर पड़ जाएगा। नहीं नहीं, वो डेफिनेटली जो भी जेन्युइन जितना भी है वो सब दिखाएंगे सर, वो तो कोई इशू नहीं। मेरे को गुजरात के जो कॉलर आते हैं मेरे को बड़ी खुशी होती है, इसके दो कारण है, एक तो मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, और जय श्री कृष्णा मेरे घर के आसपास
कुछ मेरे गुजराती दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, वो जानते हैं, तो उनसे मिलकर अच्छा लगता है। और मेरे शहर में, एडमिंटन शहर में, गरबा का बहुत बड़ा एक वो होता है, फेस्टिवल होता है सितंबर में और आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो मेरे एक दोस्त हैं, कपिल व्यास है, वो भी देख रहे हैं उसका, तो वो फोटोग्राफी करते हैं, तो वो भी देख रहे होंगे उसको, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो सब। और दूसरा ये है कि मेरे को एक हिंदी बोलने का मौका मिलता है, जो मैं इंग्लिश बोल के कभी थक जाता हूँ, तो मेरे को जो गुजरात के लोग हैं तो हिंदी बोलने का अवसर मिलता है, क्योंकि मैं जब पंजाब में जाता हूँ तो वहाँ पर पंजाबी है, यहाँ हिंदी है, वैसे इंग्लिश है, तो तीन तीन लैंग्वेज में मैं खेल रहा हूँ इधर उधर। और मैं एक्चुअली अगले हफ्ते से पंजाब फिर जा रहा हूँ, फ्रॉम मंडे टू चार दिन तो मिनिमम होगा, 4-5 दिन। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई रिफ्यूजल वगैरह है तो वहाँ पर वो मिल सकते हैं, दिल्ली वाले भी मिल सकते हैं। मेरा एक्चुअली जो शौक है सिर्फ इतना है कि मैं किसी भी केस के बारे में उसको बिल्कुल डीप इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उसमें क्या है, लॉ क्या है, क्यों रिफ्यूज हुआ, उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं, अगर चैलेंज हो सकता है उसको अपील कैसे कर सकते हैं अगर हो सकती है, सिर्फ इतना मेरा प्रोफेशन है और पैशन है। तो इसके बारे में अगर मेरी एडवाइस से किसी का काम हो सकता है तो मेरे को खुशी बहुत होती है, और रोज जब लोगों के अप्रूवल आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होती है। Yes. और कोई सवाल हार्दिक? बस सर, थैंक यू सो मच सर। टेंशन कम हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, बस इतना ही काफी है कि टेंशन आपकी कम हो गई, तो हमारा भी जन्म सार्थक हो गया और आपका काम हो, इसकी हम शुभकामनाएं करते हैं। आप दिल्ली कभी आए तो फोन कर रहे हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं। मैं अभी फरवरी के महीने यहाँ पर हूँ, और मार्च से पहले फिर मैं कि अपने कनाडा जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और जाते जाते मैं आपको दिखा दूँ कि पीछे देखिए मौसम कितना